हजारीबाग के सेंट्रल जेल में डीसी नैंसी सहाय और एसपी मनोज रतन चौथे ने संयुक्त रूप से जेल के सभी शेलों में छापा मारा। छापामारी में विभिन्न शहरों से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हीटर और अन्य उपकरण के साथ कैनी गांजा बरामद किया गया। एसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि 4:30 से छापामारी अभियान सेंट्रल जेल में की जा रही थी। विभिन्न खेलों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और एक महत्वपूर्ण पेन ड्राइव बरामद किया गया है, जिसकी छानबीन की जा रही है। डीसी नैंसी सहाय ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर जेल के विभिन्न शहरों में छापामारी अभियान किया गया है। मोबाइल का उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग के अलावे एक पेन ड्राइव बरामद किया गया है। पेन ड्राइव का छानबीन किया जा रहा है, जिसके बाद सेंट्रल जेल और पेन ड्राइव के खुलासे किए जाएंगे। हजारीबाग के नेतृत्व में हजारीबाग सेंट्रल जेल में रेड आयोजित किया था और हम लोगों ने करीब 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिशियल, सीनियर मैजिस्ट्रेट उपस्थित थे, साथ ही एसडीएम हजारीबाग सदर उपस्थित थे। और इस रेड के दौरान कुछ खास आपत्तिजनक चीज़ें वैसे मिली नहीं है जो हम लोग अपेक्षा रख रहे थे कि मोबाइल और कुछ इस तरह का मिलेगा, परंतु कुछ एक चीज़ें वैसी मिली है जिसको हम लोग सीज कर रहे हैं, जिसमें कई एक चाकू और चाकूनुमा और सभी वार्ड्स को हम लोगों ने बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन किया और भी जो अन्य हॉस्पिटल है, कैंटीन है, सभी जगह का चेकिंग किया गया और कुछ सामान भी बरामद हुआ है। उसकी सीजन लिस्ट पर बना रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स।